केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द को साझा किया। नक्सल पीड़ितों ने गृह मंत्री को अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे नक्सल हिंसा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसी ने अपने परिवार सदस्यों को खो दिया, किसी ने अपने अंग गवाए और कई लोग अब भी शारीरिक और मानसिक रूप से इन हमलों के जख्मों से जूझ रहे हैं। एक पीड़ित ने ही बताया कि नक्सलियों के कारण हमने अपना सब कुछ खो दिया, अब हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मदद करेगी और हमें न्याय मिलेगा। गृह मंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे इन परिवारों का पुनर्वास हो सके और वे एक बार फिर सामान्य जीवन जी सके। हम लोग 12 मार्च 2014 को दोनों भाई बाजार गए थे। बाजार स्थल में अज्ञात नक्सलियों ने हमें मुखबिरी के संदेह में आकर के हमारे ऊपर घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारे बैठे स्थान पर ही 3 फायर किए, जिसमें 2 गोली मेरे भाई के पीठ में लगा सीने पर और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जांग को छलनी करते हुए निकल गया। और गोली लगने के पश्चात दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में हम लोग जान को बचाने के लिए भागे। मैं कुछ दूर दौड़ पाया, भाई ज़्यादा दूर नहीं दौड़ पाया और एक दुकान के सामने जाकर गिर गया। वहीं पर क्रूर नक्सलियों ने जाकर के भाई पर और 3 फायर किए। 2013 की बात है, जब मेरे भाई रामू सलाम और मैं दोनों आंगनबाड़ी जा रहे थे, इमली पेड़ के नीचे केटली में बम गड़ा हुआ था, तो हम लोगों को नहीं पता था कि केटली में बम है करके। तो मेरे भाई रामू सलाम उठा है, वो फट गया तो हम लोग दूर दूर से फिर नक्सल शांति समिति के प्रयोजन से मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है, वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सात अर्थ में पूरे देश और गृह मंत्रालय की ओर से आपका ये उत्साह, हौसला और आने वाले दिनों में बस्तर को शांत करने के लिए आपका जो अभियान है, इसको मैं मनपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विचारधारा के नाम पर जो लोग हथियार उठाकर समाज में निर्दोष लोगों को हत्याएं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो सभी लोगों का दर्द जो आपके माध्यम से आज दिल्ली के गलियारों में आया है, कई सारे आंख होते हुए भी आंख से अंधे और कान होते हुए भी कान से बहरे लोगों के आंख और कान खोलने का काम करेगा। उनको हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए लोगों का मानव अधिकार तो दिखता है, परंतु उनके आतंक के कारण छोटे छोटे बच्चे अपाहिज होकर पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, किसी की मां छिन गई, किसी का बाप चला गया, किसी का शरीर का कोई अंग चला गया, उसके मानव अधिकार दिखाई नहीं पड़ते। खैर, आपका प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएगा
और मैं कल ही मेरे सभी प्रयास कर आपकी ये फिल्म, आपके साथ मेरी ये मुलाकात और आपका दर्द पूरे भारत देश के साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करूंगा, ऐसा मैंने यहां बैठकर मेरे मन में निर्णय किया। भाइयों बहनों, जब आप आए हैं तब मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का काम है समग्र भारत के अंदर कानून का राज प्रस्थापित हो, राज्य सरकारों को साथ में रखकर देश की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के चार जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आपके पास जो घटना हुई है, आपके साथ हुई है, आपके